फिलहाल गर्मी की अपडेट को लेकर मैं आज आपसे हिसार से लाइव जुड़ी हूँ। जी हाँ, अभी 9 जिलों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज तापमान में भारी गिरावट आई है। आज मौसम काफी जो है पहले से ज्यादा ठंडा हो गया है। वहीं बात की जाए 5 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है नौतपा का, जैसे कि आज जानते हैं 8वां दिन है, जिसके चलते अभी भी तेज गर्मी है, लेकिन कुछ जगहों पर राहत मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। और जी हाँ, आज 1 जून से जो है बहुत सारे जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको जो ये लाइव तस्वीरें हैं हिसार की राजगुरु मार्केट से दिखा पा रही हूँ, यहाँ पर भी लोगों को राहत मिली है क्योंकि अब जो है तापमान कम हो गया है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 43 डिग्री सेल्सियस हिसार का तापमान आज की तारीख में है, लेकिन अगर कल की बात की जाए तो यही तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस जो है हिसार के अंदर रहा। और सिरसा जो है अभी भी सबसे गर्म जो है हमारा शहर रहा पूरे देश में अगर बात की जाए, जिसका तापमान आज 48.8 डिग्री सेल्सियस है। यानी सिरसा अभी तक नौतपा के जो चलते बहुत ज्यादा तापमान है वहां पर। और अगर बात की जाए कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर आज भारी बारिश की चेतावनी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रादौर, थानेसर, पिहोवा, शाहबाद, अंबाला, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़ में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है, और इसी के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए हिसार में आज बहुत सुहावना मौसम है, क्योंकि इतने दिन से, लगभग 7 दिनों से नौतपा के चलते तेज गर्मी यानी भीषण गर्मी चल रही थी, और लू जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चल रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे और बहुत लोगों को समस्याएं भी आ रही थी। वहीं हरियाणा में लगभग 6 से ज्यादा मौतें भी हुई इस नौतपा के चलते। और अगर आज की बात की जाए तो आज तापमान में भारी गिरावट है और आज 43 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। वहीं एक बार आप लाइव तस्वीरें दिखा दीजिए कि जैसे आज लोगों को काफी राहत मिली है, लेकिन अगर आज से पहले की बात की जाए तो लोग मार्केट में दिखाई भी नहीं देते थे इस समय पर। जी हाँ, 12:55 पर आप ये लाइव देख पा रहे हैं, वरना पूरी मार्केट आपको खाली दिखती थी, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे तक लोगों को आवागमन निषेध किया गया था, क्योंकि इतनी गर्मी चल रही थी, जिसके चलते जो है लोगों को सूचना दी जा रही थी कि इस तरीके से आप घर से बाहर ना निकले 12 से 3 बजे। लेकिन अगर आज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तो आज लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज कुछ ठंडक है और तापमान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वही मैं बता दूं, हरियाणा का सिरसा लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है देश का दूसरा सबसे गर्म शहर बन गया है, वहां 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। चंडीगढ़ सहित हरियाणा के हिसार, रोहतक, सिरसा, अंबाला, नारनौल, पानीपत में लू का कहर अभी भी चल रहा है, जिसके चलते काफी जगहों पर हालात अभी भी खराब हैं। हरियाणा में दिन का औसत पारा सामान्य से 5.7 डिग्री से ज्यादा रहा। जी हाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी तापमान बहुत ज्यादा है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तापमान में गिरावट आई है। वहीं अगर हिसार की बात की जाए तो आज मौसम ठंडा देखते हुए ये भी आसार जताए जा रहे हैं कि आज हिसार के अंदर बारिश हो सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, कहां से आप लोग मुझे ये लाइव वीडियो देख पा रहे हैं पहले तो मुझे वो बता दीजिए। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कल कहां कितना तापमान रहा। हिसार में 47.8 डिग्री सेल्सियस रहा, सिरसा में 48.8, पंचकुला में 43.9 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 45.4, यमुनानगर में 44.9 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 43.5 डिग्री सेल्सियस, पानीपत में 44.6 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 45.7 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 46.4, फरीदाबाद में 48.1, पलवल में 45.7, नूह में 46.9, झज्जर में 47.2, महेंद्रगढ़ में 46.4, दादरी में 47.1, रोहतक में 47.3। ये सभी जो अभी मैंने आपको तापमान की डिग्री बताई है, ये तापमान जो है हरियाणा के इन कुछ जिलों में रहा। वहीं अगर बात की जाए रात के तापमान में अब कमी आ गई है, यानी कि गिरावट हुई है। पहले रातों को भी जो है गर्म हवाएं चल रही थी, इसके चलते जो है रात भी तपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब रात में जो है
तापमान की गिरावट आई है और इसी के चलते 1 से 31 मई तक प्रदेश में 4.2 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 69% कम है। इससे पहले साल 2013 में 1.4 mm बारिश हुई थी। रात के तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, यह सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 3 जून तक मौसम में परिवर्तन जारी रह सकता है। भीषण गर्मी के चलते रोहतक में नगर निगम कमीशन ने सफाई कर्मियों के काम करने का समय निश्चित कर दिया। जी हाँ, हिसार की बात की जाए तो हिसार में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भी जो टाइमिंग है, उनका टाइम शेड्यूल है, उसे चेंज कर दिया गया है। और वहीं रोहतक में भी सफाई के लिए जो समय है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। और हिसार की बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कर दिया, उसके बाद जो है सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले सफाई कर्मी दिन में किसी भी समय काम करते थे, लेकिन अब जो है इस शेड्यूल पर ही काम करेंगे। और अभी जो है काफी तेज मौसम में परिवर्तन आया है, जिसके चलते आज हिसार में आशंकाएं जताई जा रही है कि हल्की छटपट बूंदाबांदी हो सकती है। कमेंट करते रहें, देखते रहें आधार न्यूज हरियाणा। नमस्कार।